अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं बना रही हूँ घर पे चिकन बिरयानी, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी थी। मेरा बड़ा दिल कर रहा था खाने का, तो मैंने सोचा चले बनाते हैं। तो ये चिकन ले लिए मैंने, 1.5 किलो से थोड़ी ज़्यादा ही है, और बिल्कुल फ्रेश चिकन ली है मैंने। और उसके अलावा मेरे पास दही है, ये भी 1.5 कप के करीब है। क्वांटिटी मैटर करती है, आप जितनी क्वांटिटी चिकन लें उसी हिसाब से आप और इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ करें। और आलू ले लिए मैंने 2 से 3 मीडियम साइज़ के, जिसको मैंने कट कर लिया है। और आलू भी सारे एक ही साइज़ के कट करने हैं। ये बिरयानी मसाला जो मैंने घर पे बनाया था, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून है, हल्दी है 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ही जायफल जावत्री है, नमक है, पिसी मिर्च है, और आलू बुखारे ले लिए मैंने। और उसके अलावा जो है मैंने 6-7 हरी मिर्चें ले ली हैं, और लहसुन अदरक का हमारे पास पेस्ट है तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब है ये भी। और उसके अलावा जो है मैंने इसके अंदर टमाटर बारीक बारीक स्लाइस कट कर ली है, और प्याज भी मैंने बारीक बारीक काट ली है। और इसको बनाना शुरू करते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बराबर में जो बेल आइकन है वो भी ज़रूर दबा दीजिएगा। उससे आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस देखने मिलेगी। अब मैं अपनी प्याज ब्राउन कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया, और प्याज जो है मैं फ्राई कर लूँगी सरसों के तेल में कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया था प्याज में, ताकि मेरी प्याज जो है वो जल्दी से कुक्ड हो जाए। अब देखिए मेरी प्याज जो है ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है, तो मैं इसको थोड़ा सा और ब्राउन करूँगी। बिल्कुल कोरमे वाली ब्राउन करनी है, ताकि हमारे सालन का और चावलों का कलर बहुत अच्छा है। इसको हम जो है अपनी लेयर्स के बीच में यूज़ करेंगे। इसको मैं बाहर निकाल लूँगी। मेरी प्याज जो है बिल्कुल ब्राउन हो गई है। अब मैंने थोड़ी सी प्याज उसके अंदर छोड़ दी, ताकि थोड़ा सा ग्रेवी हमारा बन जाए। और उसी के अंदर मैं अपने टमाटर ऐड कर लूँगी। और टमाटर मैंने ढक के छोड़ दिए थे तकरीबन 5 से 10 मिनट, ताकि हमारे टमाटर जो है बिल्कुल मैश हो जाए। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा फेसबुक पेज भी फॉलो कर लीजिए, कुक विद एसएनजे के नाम से। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ऐड करूँगी। अब देखें हमारा जो है टमाटर प्याज भून गए थे, तो उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक मसाले और दही ऐड कर लिया। उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके हम चिकन भी इसमें ऐड कर लेंगे। और इसको मैं अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लूँगी, ताकि हमारे जितने मसाले थे वो उसके अंदर जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब जो है मैं इसको ढक के तकरीबन 5 से 10 मिनट छोड़ूंगी। तो मेरी जो है चिकन हाफ डन हो गई थी, तो मैंने इसके अंदर अपने आलू भी ऐड कर दिए, ताकि आलू भी जो है अच्छे तरीके से गल जाए। आलू गलने के लिए भी मैंने छोड़ दिए थे ढक के तकरीबन 20 मिनट के करीब, और हल्की आंच के ऊपर। अब मैं अपने चावल बॉयल कर लेती हूँ। चावल तकरीबन 3.5 कप मैंने भिगो दिए थे, और अब मैं चावल बॉयल कर लूँगी। पानी जो है मैंने पहले बॉयल कर लिया, उसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस ऐड किया तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब। चावल भी मेरे बॉयल हो ही गए हैं तकरीबन जितने मुझे चाहिए थे, एक कनी रहनी चाहिए। अब देखें मुझसे वाला क्लिप जो है मिस हो गया, जिसके अंदर जो है मैंने हरी मिर्च जो है वो उसमें ऐड की थी, बट आप लोग लाजमी कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने हरी मिर्च ऐड करके तकरीबन इसको छोड़ दिया था 5 मिनट, और मेरा सालन बन के तैयार है। अब आइए, हमारे चावल भी तक बन के तैयार है, तो अब हम अपनी लेयर्स बना लेते हैं बिरयानी की। सबसे पहले मैं अपना लाल प्याज जो है ऐड करूँगी, फिर उसके ऊपर हम अपना सालन ऐड कर लेंगे, फिर हम चावल ऐड करेंगे, उसके ऊपर सारे लवाजमात ऐड करेंगे, फूड कलर और हरे मसाले वगैरह। एंड देन इसको हम दम दे देंगे तकरीबन 20 मिनट के करीब। 10 मिनट हम तेज़ आँच पर दम देंगे, और 10 मिनट हम हल्की आँच पर छोड़ देंगे। और उसके बाद मैं इसको तकरीबन 20 मिनट से 30 मिनट ढक के रह छोड़ दूंगी। उस वक्त तक हम अपनी बिरयानी का पतीला जो है नहीं खोलेंगे। ये एक बहुत बेहतरीन टिप है, अगर आप इसको फॉलो करें तो आपकी बिरयानी की जो खुशबू है वो बहुत बहुत अच्छी आती है, और चावल भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाते हैं, और टेस्टी बनती है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा खुशबूदार होती है। ज़रूर ट्राई किएगा। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं आपके लिए और न्यू वीडियोस बना सकूं। और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं मेरे पास, तो मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी और मेरे चैनल। और देखिए मैंने जो है अपनी पतीली के ऊपर भारी सा पट्टा रख दिया था, ताकि इसकी जो भाप है वो ना निकले। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है ये, बिरयानी अच्छी बनती है इससे बहुत ज़्यादा। अब देखिए मेरी बिरयानी बन के तैयार है, मैंने उसको सर्व किया रायते के साथ। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, तब तक लीजिए केयर, अल्लाह हाफिज़।